लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। लक्सर क्षेत्र का गोवर्धनपुर इंदिरा गांधी कस्तूरबा स्कूल के सामने दोनों ओर नाले भर जाने से सड़क पर बहता पानी, यह आज पहला मौका नहीं है। इस नाले के पानी को कई सालों से देखा जा सकता है और आज भी यह नाले पूरी तरह से अटे पड़े हैं। इधर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी इस नाले को कई बार देखकर जा चुके हैं और यह सड़क पूरी तरह से झज्जर पड़ी है। गड्ढे हो जाने से सड़क में पानी का भराव है जिससे स्कूली छात्र और छात्राओं को इस पानी से गुजर के ही जाना पड़ता है। कई बार बच्चे चोटिल भी हो गए हैं और कपड़े भी कई बार इस पानी में गिरकर खराब हो चुके हैं। वहीं स्कूल का समस्त स्टाफ इसी रास्ते से होकर स्कूल में जाते हैं। ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी जताई है। वाइट ग्रामीण, वाइट ग्रामीण। जलभराव की समस्या सरकारी स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा है, जिस कारण बच्चों को दिक्कत हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है। और इसका बहुत बार ये चैट में आया है कि इसका सुधार होगा, लेकिन अभी तक इसका समस्या पर किसी प्रकार का हुआ नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें इससे हो रही है बच्चों के लिए भी और आम नागरिकों की। कितने दिनों से जलभराव है ये? काफ़ी दिनों से हो रहा है लेकिन इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। क्या नाम तुम्हारा? लाभ गाँव कौन सा तुम्हारा? भाई साहब, आपके सामने जो रोड है, स्कूल भी सामने है और पानी रोड पर भरा हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? तो हमेशा से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। मुझे भी 4 साल हो गए यहाँ से दुकान पर, बच्चे और वो जीरो है नाले में। कभी कोई हर आदमी है वो देख कर चलेगा, कोई भी कुछ नहीं करता, यहाँ से सुधार ही नहीं करता। मैं भी कई बार गिर गया इसमें, विकलांग हूँ मैं, दुकान है मेरी यहाँ 4 साल से। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है शिवराज सिंह। गाँव तुम्हारा यही है? हाँ, गाँव मेरा गोवर्धनपुर है। कई बार लड़के भी गिर चुके हैं बहुत पूरी तरह से,